आशा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। प्रदेश के गांवों में जहां एक तरफ महिलाओं की सेहत सुधर रही है, वहीं मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है। आज प्रदेश के गांवों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं हैजा जैसी बीमारियां भी कम हो रही हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदली है, क्योंकि उन्हें आशा कार्यकर्ताओं का साथ मिला है। जी हाँ, प्रदेश की महिलाओं और नवजातों के लिए आशा कार्यकर्ता उम्मीद की नई किरण बनकर आई हैं। आज इन्हीं की बदौलत गांव देहात के क्षेत्रों में सस्ती और बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक गांव के लिए एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराई गई है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ही एक एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी कि आशा कहते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को गांव से ही चुना जाता है, इसलिए वो गांव के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आमतौर पर अपने गांव के बारे में उन्हें बहुत कुछ मालूम होता है, जैसे किसका घर कहाँ है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, यातायात के साधन क्या हैं आदि। आशा दाएं, गांव और सहायक नर्स दाई के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाती हैं। आशा कार्यकर्ताएं अपनी पंचायत के प्रति जवाबदेह होती हैं, इसलिए सभी तरह के टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने, घरों में शौचालयों के निर्माण करवाने और स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित अन्य किसी तरह के कार्यक्रमों में वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ANM आदि विभागों के कर्मचारियों को अपना सहयोग देती हैं। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के अभाव में भी नवजात शिशुओं की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए, इस बात की जानकारी इन्हें होती है। आज देश में 8 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताएं हैं, जो कर्मठता, निष्ठा और संकल्प शक्ति के साथ भारत में गांवों की सूरत बदल रही हैं। भारत की बड़ी ग्रामीण आबादी तक इनकी पहुंच है। लोगों से इनका लगाव इतना खास है कि आम तौर पर लोग इन्हें आशा कार्यकर्ता नहीं, आशा बहन या आशा दीदी कहकर बुलाते हैं। बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए विकराल समस्या बनती जा रही है। विकासशील देश होने के कारण भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। भारत में बढ़ती हुई आबादी का एक मुख्य कारण लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आशा कार्यकर्ताएं महिलाओं को गर्भ निरोध के उपाय बताने के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों से सहायता भी दिलवा रही हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ग्राम स्तर पर सफल बनाने के लिए ये कार्यकर्ताएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर कई तरह के कार्य कर रही हैं, जिससे लड़कियों के साथ होने वाला भेदभाव दूर हो रहा, उनके प्रति लोगों की नकारात्मक मानसिकता बदल रही है। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में घर घर जाकर बताने में भी इनका अहम योगदान है। इस योजना के तहत आशा कार्यकर्ताएं कन्या के माता पिता को कन्या के नाम से खाता खोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। गांव में आज तेजी से घर घर गैस सिलेंडर लग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आशा कार्यकर्ताएं इसके बारे में जागरूक कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई अड़चन ना कोई थकान।